Hello students, hope you all are fit and fine. Stay home, stay safe. Today I am going to talk on chapter number 10, Internet Safety Continue Hai, or topic is the internet also offers new risk. There is no easy way to tell if someone on the internet could be a predator because internet provides an environment for people to interact anonymously. इंटरनेट एक जोखिम पैदा करता है कभी कभी. ये बताने के कोई आसान तरीका नहीं है कि क्या इंटरनेट पर कोई व्यक्ति शिकारी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट लोगों को गुमनाम बातचीत करने के लिए एक वातावरण प्रदान करता है. मतलब कि अननोन लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ऐसा भी आपको एनवायरनमेंट देता है. ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो वो कहते हैं ऑनलाइन है. हालांकि ये जानना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन शिकारी है, बनाने के लिए ये सरल नियम नहीं है. मतलब कि जो आप अनलॉक पर्सन होते हैं तो उससे बातचीत करते हो, तो ये एनवायरनमेंट एक इंटरनेट प्रदान करता है. ऑनलाइन प्रीडेटर मतलब कि इंटरनेट में जोखिम होता है, कभी कभी हम यूज़ करते हैं तभी. Phishing, act of sending an email to use user falsely claiming to be an established legitimate enterprise is an attempt to scam the user into surrendering private information. Phishing is a typical carried out by email or instant messaging, and it often directs the user to visit a website where they are asked to update personal information such as a password, credit card, social security और बैंक अकाउंट नंबर्स दैट द लेगिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैज. द वेबसाइट हाउएवर इज बोगस एंड सेट अप ओनली टू स्टील द इंफॉर्मेशन द यूजर एंटर ऑन द पेज. तो फिशिंग में क्या होता है? फिशिंग का नाम आपने सुना है. फिशिंग मतलब कि मछली पकड़ना. तो यहाँ पर इंटरनेट में क्या फिशिंग में मछली पकड़ना, यहाँ पर मछली हम है. मछली हम है मतलब कि इंटरनेट पर हैकर्स बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके ईमेल अकाउंट्स होते हैं या फिर आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसको उसकी नज़र होती है उस पर. और वो क्या करते हैं, आपको आपकी जो कंप्यूटर में जो जीमेल अकाउंट है, सपोज़ कोई भी ईमेल अकाउंट है, तो वो हैक कर देंगे. तो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको आपकी ईमेल थ्रू मिल जाती है. जैसे कि आपने कॉन्टैक्ट सेव किए तो वो कॉन्टैक्ट भी वो ले लेता है और आपके नाम पे दूसरों को ईमेल भेजते हैं. और वो ईमेल जो लोग होते हैं उसको लगता है कि आपने भेजा है, तो वो क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे और उसको लगेगा कि आपने भेजा है तो उसमें कोई लिंक होगी, तो लिंक को ओपन करेंगे और वहाँ पर आप उसको क्या करना पड़ता है, वो लॉगिन होते हैं. मतलब कि वो लॉगिन हुए तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी उसके पास चला जाता है. तो ऐसे में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें रखना है कि हम वेबसाइट का URL पूरा चेक करें. यहाँ पर आपको कभी कभी फेसबुक या फिर जीमेल या फिर गूगल से कोई भी ईमेल आता है तो आप लगता है कि ये ईमेल आया है तो मुझे ओपन करना पड़ेगा. मतलब वो क्या होगा कि कभी कभी फेक होता है और आप जब ओपन करते हो तो उसकी साइट भी फेसबुक जैसी या जीमेल जैसी होती है और आप उसमें लॉगिन हो जाते हैं. जब आप लॉगिन होते हो तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड उसके पास चला जाता है, हालांकि हम लॉगिन नहीं होते हैं. हमारी वो साइट वो ओपन ही नहीं होती क्योंकि वो फेक होती है, पर लगती दिखती बिल्कुल ऐसी ही है जैसी साइट हम यूज़ करते हैं. तो इसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चला जाता है. तो पहले तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए और URL पढ़ना चाहिए कि कौन सा URL है. और लॉगिन नहीं हुआ है तो तुरंत ही आपको अपना पासवर्ड और ईमेल बदल देना चाहिए. तो ये फिशिंग होती है. फिशिंग का मतलब आपको पता चल गया है कि अब फिशिंग में क्या होता है, तो कि बैंक अकाउंट भी आपका हैक हो सकता है ऐसे में. क्योंकि आपको पता है कि कई कई बार क्या होता है कि ऐसे फ्रॉड मैसेजेस आते हैं कि आपको इतने की लॉटरी लगी है या इतने रुपीस का आपको लॉटरी लगी है, तो आप क्या करोगे कि अकाउंट नंबर देना है आपको. तो वो आप अकाउंट नंबर दोगे तो क्या होगा कि वो अकाउंट नंबर से पूरा आपका अकाउंट हैक कर सकता है. तो ऐसे ही पूरा फिशिंग होता है. नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग.
Cyberbullying is when a child or teen is terminated, treated, harassed, humiliated, embarrassed, or otherwise targeted by another child or teen using the internet, interactive and digital technologies, or mobile phones. It is bullying through internet application and technologies such as instant messaging, IM, social networking sites, and cell phones. It can start easily with a rumor, a photo, or forwarded message, and just easily spiral out of control. तो साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग में क्या होता है कि एक धमकी मिलती है आपको. साइबर बुलिंग मतलब बुलिंग, धमकी. साइबर बुलिंग तब होती है जब किसी बच्चे या किशोर मतलब टीनेजर को तड़पाया जाता है या धमकाया जाता है या परेशान किया जाता है, अपमानित किया जाता है, शर्मिंदा किया जाता है, अन्यथा एक और बच्चों या किशोर द्वारा मतलब के टीनेज द्वारा वो लिखित इंटरनेट या इंटरेक्टिव और डिजिटल जो आप कंपटीशन या मोबाइल फ़ोन है तो ये एक उससे एक बदमाशी मतलब शरारत की जाती है. इंटरनेट के उपयोग से संदेश मतलब ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट और सेलफोन ये इसमें से आसान से शुरू हो सकता है. एक अफवाह या एक फ़ोटो के साथ यह एक ईमेल या मैसेज मिलता है और उसको आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो. साइबर बुलिंग मैसेजेस और इमेजेस को गुमनाम रूप से पोस्ट किया जाता है और इन्हें जल्दी वितरित भी किया जाता है. तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी ईमेल या कोई भी ऐसे मैसेजेस है तो उसका आप जवाब कभी भी ना दें, क्योंकि साइबर बुलिंग में एक तो क्या होता है कि आप आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर लेते हैं आपके साथ इंटरेक्ट करके और फिर आपको ऐसे हरेसमेंट का या पर ट्रीटेड करते हैं और आपको एम्बेरस भी कर सकते हैं और आपको परेशान करते हैं, ये मतलब धमकी से परेशान भी कर सकते हैं. साइबर बुलिंग मैसेजेस एंड इमेजेस कैन बी पोस्टेड एनोनिमसली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्विकली अ वेरी वाइड ऑडियंस. इट कैन बी डिफ़िकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू ट्रेस द सोर्स. तो ये एकदम से ही फास्ट ये आप अपने ऑडियंस को ये सबको भेज देते हैं, तो इसको ट्रेस करना बहुत ही इसको मिला लेना ही बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. डिलीटिंग इन अप्रोप्रिएट और हैरेसिंग मैसेजेस, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट आफ्टर दे हैव बीन पोस्टेड और सेंट. तो इसको डिलीट करना बहुत ही आपको परेशान कर देगा, क्योंकि ये डिलीट ज़्यादातर होता नहीं होता है. टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन शुड नेवर रिस्पॉन्ड टू रूड ईमेल्स, मैसेज एंड कमेंट्स. तो आपको ऐसे ईमेल या मैसेज को आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है. सेव द एविडेंस सच एज अ ईमेल एंड टेक्स मैसेज एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ कमेंट्स एंड इमेजेस. ऑल्सो टेक नोट ऑफ द डेट एंड टाइम वेन द हैरेसमेंट अकर. तो आपको क्या करना है, ये सबको सेव करके रखना है. ईमेल जो आया है या टेक्स्ट मैसेज है या स्क्रीनशॉट है ले लेना है आपको उसका, और ये इसका टाइम भी आपको डेट और टाइम भी लिखना जरूरी है. इफ़ हैरेसमेंट इज वाया ईमेल सोशल नेटवर्किंग साइट IM एंड चैट. अगर ये हैरेसमेंट ईमेल के थ्रू या सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू इंटरनेट मैसेजेस और चैट के थ्रू मिला है तो आपको इसको सेव करना और ज़रूरी होता है. रूम्स चिल्ड्रन शुड बी चैट रूम्स चिल्ड्रन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू ब्लॉक बुलीज. तो आपको कमरे एक जो अगर ईमेल सोशल नेटवर्किंग साइट आइटम और चैट के माध्यम से उत्पन्न होता है ये, तो उसमें आपको बच्चों को निर्देश करना बहुत जरूरी है. ये इसको बोलते हैं ब्लॉक बुलीज. तो ब्लॉक बुलीज निर्देश किया जा सकता है. ऑनलाइन प्रीडेटर. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट पीपल आर ऑफन नॉट हु दे से दे आर ऑनलाइन. ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो वेदर समवन इज एन ऑनलाइन प्रीडेटर, देर इज ऑन वन सिंपल रूल्स फॉर मेकिंग श्योर दैट यू डू नॉट फॉल टू प्रीडेटर इज दैट डू नॉट टॉक टू पीपल
ऑनलाइन अनलेस यू मेट देम इन पर्सन फर्स्ट। तो ऑनलाइन प्रेडेटर क्या होता है? ऑनलाइन प्रेडेटर मतलब कि एक तरह से एक जानवर हो सकता है, हिंसक जानवर या लूट मार करने वाला, तो इसको हम प्रेडेटर बोलते हैं। तो इसको हम इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू पहचान नहीं सकते। तो आपको इससे क्या करना है, ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही अननोन पर्सन से बातचीत मत करिए, और जो भी आप बात करते हो तो आप पहले अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, और आप उसको जानते हो तो ही आपको मिलना चाहिए, वरना आपको ऐसे मिलना नहीं चाहिए। तो प्रीडेटर का मतलब ही आपको कह देता है कि वो क्या होता है, परभक्षी इसको बोल सकते हैं, हिंसक जानवर, लूटमार करने वाला, तो इसको हम बोलते हैं प्रीडेटर। तो ये हम पहचान नहीं सकते इंटरनेट के माध्यम से कि कौन ऐसे प्रीडेटर, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो हमें इसके लिए कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिलीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सम गुड रूल्स फॉर नेम्स एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड टिप्स हमें दी गई है, मेक अ पासवर्ड 8 और मोर कैरेक्टर लॉन्ग, लॉन्गर पासवर्ड आर हार्डर टू क्रैक देन शॉर्टर वंस। तो आपको क्या करना है कि अपना पासवर्ड जो भी आप दे रहे हो तो उसको 8 जो डिजिट होते हैं उससे, या एक 8 कैरेक्टर होते हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होता है कि ये क्रैक नहीं हो सकता जल्दी से, और शॉर्ट वन होगा तो जल्दी से क्रैक हो जाएगा, तो आपको लॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। ट्राई नॉट टू यूज डिक्शनरी वर्ड्स एज योर पासवर्ड, नॉनसेंस वर्ड आर बेटर। तो आपको क्या करना है कि डिक्शनरी में जो होता है उसको आपको पासवर्ड बनाना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना जो आपको याद रह सके और लंबा वाला हो तो वही पासवर्ड आपको, मतलब कि नॉनसेंस वर्ड बेटर होगा, आप पासवर्ड रख सकते हो। तो इंक्लूड लेटर नंबर्स एंड सिम्बल, दिस मेक इज हार्डर टू गेस पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड में लेटर्स रखना चाहिए, नंबर्स एंड सिंबल्स रखना चाहिए, ये क्रैक जल्दी से नहीं हो सकता है। चेंज योर पासवर्ड एटलीस्ट एवरी 6 मंथ, दिस वे इवन इफ समवन डज गेस अ पासवर्ड ही और शी वॉन्ट बी एबल टू गेट इनटू योर अकाउंट फॉर लॉन्ग। तो आपको हर 6 महीने में पासवर्ड चेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई आपका क्रैक पासवर्ड नहीं कर सकता है। डोंट यूज़ योर निक नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस एज योर पासवर्ड। तो आपको अपना निक नेम या फ़ोन नंबर या एड्रेस तो रखना ही नहीं चाहिए। गिव योर पासवर्ड टू योर पेरेंट और गार्डियन, दे विल हेल्प यू रिमेंबर इफ़ यू फॉरगॉट इट। तो आप अपने पेरेंट्स को या आपके बड़े बहन भाई को बता सकते हो, ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा। शेयरिंग योर पासवर्ड विथ योर फ्रेंड्स इज नॉट अ गुड आइडिया। आप अपने फ्रेंड को अपना पासवर्ड शेयर मत कीजिए, इवन इफ यू ट्रस्ट देम दे माइट अनइंटेंशनली डू समथिंग दैट पुट्स योर और योर इंफॉर्मेशन एट रिस्क। तो क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड्स को देंगे तो वो इमोशनली भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो बेटर है आप अपने फ्रेंड को भी अपना पासवर्ड मत दीजिए। क्रिएट अ पासवर्ड दैट्स यूनिक बट मेमोरेबल। पासवर्ड ऐसा क्रिएट कीजिए जो यूनिक हो बट मेमोरेबल भी होना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए आपको। स्क्रीन नेम, अवॉइड यूजिंग योर रियल नेम। स्क्रीन नेम में जो होता है तो वो आपको अपना नेम में, जो अपना नेम होता है उसमें रियल नेम ज़्यादातर ना रखे। स्किप पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल आप ना फिल करें तो ही अच्छा है। नो एज, नो एड्रेसेस और फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल। तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स में अपना एड्रेस, अपनी एज या अपना फ़ोन नंबर नहीं रखना चाहिए। मेक श्योर इट इज़ अ रीडेबल एंड इनऑफेंसिव। तो इनऑफेंसिव मतलब कि आपका जो भी है वो रीडेबल होना चाहिए और सीक्रेट भी होना चाहिए। लर्निंग इज़ फन, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।